एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है माँ बेटी ब्लॉग्स। तो चलो आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आज का टॉपिक है कि 5 से 7 महीने के बच्चे को क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं। जैसे ही बच्चा 5 महीने का हो जाता है तो बच्चा को भूख ज़्यादा लगने लगती है। भूख ज़्यादा लगने लगती है तो बच्चा रोने लगता है, और बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो ऐसे में हम माओं की टेंशन बढ़ जाती है कि बच्चे को क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि हम बच्चों को बिस्किट, दाल का पानी, चावल का माड़ और बच्चे को हम बनाना दे सकते हैं। अब इन चारों चीज़ों को हमें खिलाना कैसे है, अब दाल बना लेना है अपने को और दाल को छान लेना है। दाल को छानने के बाद उसका जो पानी बचता है उसे अपन बच्चे को पिला सकते हैं। चावल को अपन को भगोनी में बनाना है और उसके बाद उसमें जो पानी निकलता है वो बच्चे को अपन पिला सकते हैं। बिस्किट को अपन बच्चे को कटोरी में मैश करके उसमें दूध मिला के भी खिला सकते हैं, और बनाना भी मैश करके और उसमें दूध डाल के या बनाना सिंपल भी अपन बच्चे को खिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे का पेट भी भर जाएगा और बच्चे को भूख भी नहीं लगेगी, और बच्चे को भूख भी नहीं लगेगी तो उसको अच्छी नींद भी आएगी। उसको अच्छी नींद आएगी तो बच्चा चिड़चिड़ा भी नहीं होगा। ये सब मैंने अपनी बेटी के ऊपर भी ट्राई किया है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो वो दूध नहीं पीती थी और उसका पेट भी नहीं भर पाता था, तो मैं उसे ये सब 5 महीने से खिलाने लगी थी, जिससे उसका पेट भी बढ़ने लगा और वो चिड़चिड़ी भी नहीं हुई। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप मुझे कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी फैमिली में कौन कौन जुड़ चुका है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।